फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। गर्मियों का मौसम चल रहा है और मार्केट में है आम की बहार, तो आज हम आम के साथ बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार अचार, जिसमें हम ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बनाएंगे हींग वाला आम का अचार, जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और खाने का स्वाद दोगुना कर देता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वाला आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1/2 किलो आम। आप आम को दबा करके चेक कीजिएगा कि वो बिल्कुल कच्चे होने चाहिए और उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो चलिए इनको हम सबसे पहले छील लेंगे। सारे आमों का छिलका उतार के हम इनको काटेंगे छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे पहले मैं छिलका उतार लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे आम का छिलका उतार लिया है। अब इसको हम फटाफट से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। इस तरीके से आप आम का सारा गूदा निकाल लीजिए। हर एक छोटा पार्ट इसमें से हम यूज़ कर लेंगे और इसको अब हम कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। हम इसको छोटे पीसेस में इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि कई बार बड़ा पीस लेते हैं तो खा नहीं पाते हैं। तो इसमें छोटा छोटा पीस होगा तो आप आराम से जितना आपको चाहिए अपना यूज़ कर सकते हैं और ये गलने में भी आसान हो जाता है। तो इसको हम फटाफट कट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने सारा आम कट करके रखा है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं आम के। अब हम इस आम को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बाउल में निकाल लूँगी इन सब आमों को। ये आम मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक और नमक मिला करके हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है और आम को गलाता भी है और साथ ही ये आम को ख़राब होने से बचाता है। काफ़ी लंबे समय तक आप इस अचार को बहुत ही आराम से रख सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस अचार को डाल दूंगी एक जार के अंदर। आप कोई सा भी प्लास्टिक का या कांच का जार ले सकते हैं, जिसको आप अच्छी तरीके से गर्म पानी से वॉश कर लीजिए और थोड़ा धूप पे सुखा लीजिए। ध्यान रखिए कि डब्बा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब मैं सारा आम इसमें डाल दूंगी और उसके बाद हम इसको कवर करके इसको हम 3 से 4 दिन के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। 3 से 4 दिन बाद ये आप देखेंगे ये अच्छे से गल चुका होगा। आप इसको रोज़ एक बार थोड़ा सा शेक कर लीजिए, थोड़ा इसको हिला लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया है और अब हम इसको 4 दिन बाद दोबारा खोलेंगे। तो ये देखिए, 4 दिन हो चुके हैं हमारे आम को रखे हुए। तो आप देख सकते हैं देखने में ही इसका कलर चेंज हो गया है और ये लग रहा है कि काफ़ी गल चुका है। इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिसमें मैं सारे मसाले मिलाऊँगी इसमें, ताकि हम इजीली इसको मिक्स कर सकें। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ आम किस तरीके से बढ़िया से गल चुका है। तो यहाँ पे हम डालते हैं इसमें 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें हींग डालेंगे, क्योंकि हींग वाला अचार है तो उसका फ्लेवर अच्छा आना चाहिए। साथ ही डालते हैं 1/4 टेबल स्पून काला नमक। 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे इसमें थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा और साथ ही इसका कलर बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको दोबारा से उसी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और 2 दिन के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि सारे फ्लेवर जो है आम में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद आप इसको ले यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। बिना तेल और कम मसालों के साथ भी हम बहुत ही मज़ेदार अचार तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत सिंपल है और आप इसको बना करके साल भर तक के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये अचार पराठों के साथ, खाने के साथ, दाल चावल, आप किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये खाने का स्वाद बहुत बढ़ा देता है और साथ ही ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती रहूँगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।